हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूब गेमर्स। तो दोस्तों, लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफलाइन गेम्स के बारे में। जी हाँ, मैं आपको टॉप 5 एंड्रॉयड ऑफलाइन गेम्स बताने वाला हूँ जो मिड 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो घंटा है उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मैं मेहनत से बना रहा हूँ। सारे गेम्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से जाके इन गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ सारे गेम्स की, तो ग्राफिक्स आपके एकदम अच्छे हैं, मैंने खुद गेम्स खेले हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, नंबर 1 की जो कैटेगरी में मेरे पास जो गेम आता है गाइज, उस गेम का नाम है किलर बीन। जी हाँ दोस्तों, किलर बीन एक रोबोटिक गेम है। इसमें कुछ रोबोट्स होते हैं जिनको आपको एक आप खुद होते हैं रेड कलर के, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको धीरे धीरे लेवल पार करने होते हैं, कई सारी स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। ये गेम जो है वो 100 MB से भी कम में है, तो इससे इस 100 MB से कम में इतने अच्छे ग्राफिक्स मिलना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, वो भी ऑफलाइन में। सो गाइस, जिनकी 2 GB रैम है वो इस गेम को ज़रूर खेल सकते हैं। 1 GB वाले भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। गेम काफ़ी अच्छा है, फाइटिंग का है, बंदूकें हैं, अलग अलग काफ़ी सारी नई मूव्स हैं, तो बहुत गेम अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। 2 पे आता है हमारा शेडो फाइट 3। जी हाँ दोस्तों, शेडो फाइट 3, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा गाइज। इसके पहले ही 3 पार्ट आ चुके हैं, शेडो फाइट, शेडो फाइट 2, शेडो फाइट 3। तो मैं आपको डायरेक्ट 3 की तरफ बता रहा हूँ, क्योंकि शेडो फाइट 3 जो है उसका ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। अंडर 100 MB के अंदर के ये गेम्स हैं जितने भी आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। गेम प्ले आप देख सकते हैं, इसमें आपको कई सारे नए नए मूव्स देखने को मिल जाते हैं, कई सारे एक्शन मिल जाते हैं। अगर आप टेकन 3 के फ़ैन हैं तो शेडो फाइट भी आप ज़रूर खेल के देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको गेम एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर इसमें कई सारे नए नए मूव्स, तो मेरे को अभी तक एक अच्छा मूव लगा था जो पंच वगैरह का होता है। तो बढ़ते हैं अपने 3 गेम की तरफ गाइस। 3 गेम में जो आता है मेरा आता है वो नोवा लेगेसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कैरी को देखा हो, कैरी मिनाती की, जी हाँ मैं कैरी मिनाती की बात कर रहा हूँ। कैरी मिनाती एस्पल्ट खेलता है, एस्पल्ट देखा होगा आपने या फिर एपेक्स लेजेंड देखा होगा। तो गाइस, नोवा लेगेसी भी बिल्कुल सेम है, एपेक्स लेजेंड की तरह नोवा लेगेसी है। अगर आप एपेक्स लेजेंड नहीं खेल पा रहे हैं तो नोवा लेगेसी को ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके गेम प्ले की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 4 गेम की तरह। 4 पे हमारे जो गेम आता है गाइज, वो आता है स्वाडिगो। जी हाँ दोस्तों, स्वाडिगो आज तक मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट गेम रहा है ऑफलाइन में। गाइज, इसके जो मैं ग्राफिक्स की बात करूँ काफ़ी अच्छा है। बेसिकली गाइज, ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है। इसमें आपको एक स्टोरी होती है, आपको स्टोरी से आपको आगे आगे बढ़ना होता है, कई सारी मुसीबतें आती हैं, कैसे आप उन मुसीबतों से बचते हैं और कैसे आप खेलते हैं, उन सब का पूरा गेम होता है। तो गेम काफ़ी अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही है, वहाँ जाके इसको डाउनलोड करें, डायरेक्ट डाउनलोड करें और अभी डाउनलोड करके देखें, गेम काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट गेम की तरफ गाइज। इसका नाम आपने हमेशा सुना होगा और आप पहले भी खेलते आ रहे हैं गाइज। इस गेम का नाम है मेटल सोल्जर। जी हाँ, मैं मेटल सोल्जर की बात कर रहा हूँ। मेटल सोल्जर एक ये PC गेम है। जी हाँ, PC में भी इसका गेम अच्छा चलता है, अब ये एंड्रॉयड में भी चलता है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके मेटल सोल्जर सर्च कीजिए, काफ़ी अच्छा गेम प्ले है। आपने कभी देखा होगा कि PC में अगर आपने देखा हो, काफ़ी अच्छा गेम प्ले है। ग्राफिक्स की अगर मैं इसके बात करूँ, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, HD क्वालिटी के ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छे लगे, क्योंकि ये गेम सिर्फ 100 MB से भी कम का गेम है। ग्राफिक्स के मामले में गेम बहुत अच्छा है। इसमें कई सारी मूव्स हैं, कई सारे बंदूक से हैं, आप ऊपर कैसे मार सकते हैं, कई सारी मुसीबतें आएंगी, उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में ये पूरी गेम है। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो, सच्चे दिल से पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं भी और मेरी सब्सक्राइब कर भी रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा ज़रूर दबा देना और मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है गाइस।